दुलकर सलमान की पैन इंडियन रिलीज किंग ऑफ कोठा 24 अगस्त को रिलीज के लिए तैयार है और वह वर्तमान में मुंबई में प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। अभिलाष जोशी द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक गैंगस्टर ड्रामा है जिसमें कॉमेडी, इमोशन और बेहतरीन संगीत भी है। दुलकर सलमान के लिए आने वाला सप्ताह काफी रोमांचक है। आकर्षक स्टार का नया शो गन्स एंड गुलाब इस शुक्रवार 18 अगस्त को आ रहा है और उनकी फिल्म किंग ऑफ कोठा अगले हफ्ते 24 अगस्त रिलीज हो रही है और वह प्रचार में व्यस्त है। स्टार फिलहाल मुंबई में अपनी पैन इंडियन रिलीज किंग ऑफ कोठा का प्रचार कर रहे हैं। अभिलाष जोशी द्वारा निर्देशित यह फिल्म दुलकर सलमान के लिए बेहद खास है। फिल्म के बारे में बात करते हुए दुलकर सलमान ने कहा, यह एक कहानी पर आधारित फिल्म है। यह एक गैंगस्टर ड्रामा से अधिक है। यह दोस्ती पर आधारित फिल्म है। किंग ऑफ कोठा में प्यार, भावनाएं और थोड़ी कॉमेडी है। फिल्म में बेहतरीन संगीत भी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह देश भर के दर्शकों को पसंद आएगी। उन्होंने आगे कहा, मैं आमतौर पर इस प्रकार की शैली या यहाँ तक कि किरदार भी नहीं करता हूँ, इसलिए यह मेरे लिए बहुत नया है। यह मेरे लिए बहुत रोमांचक है, लेकिन टीजर से लेकर ट्रेलर तक हमें जो प्यार मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद, और यह हमें बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा देता है। मुझे आशा है कि यह बढ़ता रहेगा और आप सभी के इसे देखने का इंतजार नहीं कर सकता। मैंने इसे स्वयं चारों भाषाओं में डब किया है। मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं इसे करूं, और वह प्रयास हमेशा सार्थक होता है। यह मेरे लिए बहुत बड़ा महीना है। कल गन्स एंड गुलाब भी आ रही है। यह सब कुछ मेरी दो रिलीज इस वर्ष एक सप्ताह के अंतर पर आ रही है, तो दोनों के लिए उंगलियां पार हो गई। इस बीच किंग ऑफ कोठा में ऐश्वर्या लक्ष्मी, डांसिंग रोज शबीर, प्रसन्ना, नायला उषा, चमन विनोद, गोकुल सुरेश, शम्मी थिलाकन, शांति कृष्णा, वडा चेन्नई सरन और अनिखा सुरेंद्रन भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।